नमस्कार, मैं TripleDotCom से अतुल मलिकराम, भारत सरकार और जूरी मेंबर से जो पद्म अवार्ड और भारत रत्न अवार्ड की घोषणा करते हैं, दिसंबर माह और जनवरी माह में उनकी घोषणा होती है। TripleDotCom भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता है कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे शख्सियत को, कुछ ऐसी विभूतियों को सम्मानित करें जो बहुत समय से इस अवार्ड के हकदार हैं। सबसे ऊपर नाम मैं लेना चाहूँगा मेजर ध्यानचंद का। सचिन तेंदुलकर की जब खेल के क्षेत्र में अगर उनको भारत रत्न मिल सकता है तो मेरा ऐसा मानना है कि मेजर ध्यानचंद का जो कार्य किया था उन्होंने, जो उन्होंने भारत का दुनिया में हॉकी के लिए नाम सम्मानित करवाया था, उसमें मेजर ध्यानचंद का नाम सबसे ऊपर आता है। तो मेजर ध्यानचंद का नाम मैं लेना चाहूँगा। दूसरा नाम मेरी तरफ से होगा रतन जी टाटा का। रतन जी टाटा की तरफ से कॉरपोरेट वर्ल्ड में, ना कि भारत अपितु पूरे दुनिया में, उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य और कई ऐसे कार्य हैं जिसकी वजह से भी उनको भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकता है। ऐसे कई और नाम हैं मेरे सामने, भगत सिंह जी का नाम है, सुभाष चंद्र बोस का नाम है जिनका देश की आज़ादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, काशीराम जी का नाम है जिन्होंने बहुत सारा बहुजन समाज के लिए काम किया, तो काशीराम जी को भी दिया जा सकता है। और वेस्ट बंगाल के कद्दावर नेता जो थे ज्योति बासु जी, जिन्होंने 27 साल तक वेस्ट बंगाल की सेवा की है, उनको भी दिया जा सकता है। मेरी भारत सरकार से, TripleDotCom की तरफ से, भारत सरकार से और ज्यूरी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि इन 6 नामों में से कम 2 या 3 नामों पर विचार करें और इस वर्ष में उनको भारत रत्न अवार्ड देने की घोषणा करें। धन्यवाद।